दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, कृपया इसका प्रोग्राम करें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल टाइगर टेक गेमिंग में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा 3 पत्ती में फ्लैश चीटिंग करने का बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक ट्रिक। 3 पत्ती अगर जो आप खेलते हैं तो 3 पत्ती फ्लैश खेल रहे हैं तो 3 पत्ती में आप किस तरह चीटिंग कर सकते हैं और किस तरह सबसे बड़ी पत्ती आप लगा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा दोस्तों। और आपको कोई हरा भी नहीं सकता, इतना ख़तरनाक ट्रिक और इतना ज़बरदस्त ट्रिक मैं बताऊंगा कि अगर जो आप 3 पत्ती फ्लैश खेल रहे हैं, अगर जो 3 पत्ती का जुआ खेल रहे हैं तो सबसे बड़ी पत्ती आपकी आएगी और हर बार आप विन कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उससे पहले बता दूं, जो भाई लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू है, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा गाइस, जो भी अच्छे अच्छे ट्रिक या वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप लोग के पास जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जितने भी हमारे व्यूअर हैं हमारे लिए बहुत ही कीमती समय देते हैं और एक एक सब्सक्राइबर एक एक व्यूज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, हम बिना देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आपसे बता दें दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ज़बरदस्त है। तो चलिए दोस्तों, ये ताश की गड्डी है, 555 रेड लेवल गोल्ड प्लास्टिक कार्ड है, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा कार्ड है, इसको हम ओपन कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों 3 पत्ती में जुआ जीतने का बहुत ही ज़बरदस्त और धांसु ट्रिक, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी पत्तियाँ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जोकर की कुछ पत्तियाँ हैं, इसको मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप, 3 जोकर की पत्तियाँ, ठीक है, और बाकी पत्तियों को अच्छे से मैं सफल कर दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए, ये ताश की गड्डी है, इसको अच्छे से मैं सफल कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं 5 लोगों के बीच 3 पत्ती का कार्ड बांटूँगा और 3 पत्ती खेल के और जीत के दिखाऊँगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख भी जाएंगे और समझ भी जाएंगे। अगर जो स्किप कर देंगे या भगा भगा के देखेंगे तो दोस्तों आप कुछ भी सीख या समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ताश की गड्डी है, इसको अच्छे से सफल कर देते हैं। सफल करने के बाद क्या होता है, आप पहले ध्यान से डेमो देखिएगा, ठीक है, उसके बाद मैं फाइनली आपको ट्रिक बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने इस ताश की गड्डी को अच्छे से सफल किया, फर्री मारा, सब कुछ करके दिखाया। अब यहाँ पे मैं दोस्तों, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लोगों के बीच मैं पत्ता बांटूँगा और कितना ख़तरनाक ट्रिक मैं करके दिखाऊंगा वो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मैं फटाफट 1 से 2 बार और आपको फर्री मार के सफल करके सब कुछ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो ट्रिक मैं कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, किस तरह मैंने ये ट्रिक किया हूँ और इस ट्रिक से आप काफ़ी मालामाल हो जाएंगे, काफ़ी पैसा जीत सकते हैं और आपको कोई हरा भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छे से मैंने ताश की गड्डी को फर्री मार लिया, सफल कर लिया, सब कुछ करके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं 5 लोगों के बीच बांटूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टच कर लेंगे या फिर मैं यहाँ से कुछ पत्ती उठा लूँगा और इस पत्ती को साइड करके यहाँ पर मैं 5 लोगों के बीच दोस्तों बांटूँगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 5 लोगों के बीच मैंने पत्ती डिवाइड कर दिया। अभी आप देखिएगा, सबसे बड़ी पत्ती मेरी आएगी, किस तरह आएगी, कैसे आएगी और कैसे आप भी कर सकते हैं, कैसे आप जीत सकते हैं, ये सारा चीज़ आज की इस वीडियो में फाइनली ट्रिक तक बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, आप ध्यान से देखिएगा और सबसे बड़ी पत्ती मेरी आएगी, ठीक है। और ये ऐसा ट्रिक और ऐसा चमत्कार आप भी कर सकते हैं और आपको कोई हरा भी नहीं सकता, आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता, ये ऐसा ट्रिक है। बाकी पत्तियों को मैं इस गड्डी पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब हम 3 पत्ती का जुआ खेलते हैं
तो सब लोग अपनी अपनी पत्ती को समेट लेते हैं, अपनी अपनी पत्ती देखते हैं, कुछ लोग ब्लाइंड की चाल मारते हैं, कुछ लोग पत्ती देख के चाल मारते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपको किस तरह चलना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला ब्लर हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो भी नॉलेज एकदम प्योर कंटेंट के साथ मैं दूंगा। तो चलिए मैं बारी बारी करके एक एक बंदे की पत्ती देख ले रहा हूँ और मैं फाइनली इसके बाद ट्रिक बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे 1000 की चाल मारता है, कोई 500 की चाल मारता है, तो इसकी पत्ती लगी है तो ये भी चाल मार सकता है, इसकी पत्ती लगी है तो ये भी चाल मार सकता है, नहीं पत्ती लगी है तो ब्लाइंड एक दो हाथ चलेगा और बंदा पैक हो जाएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, मैं अभी बता दे रहा हूँ दोस्तों, 100 में 100 और 100% सबसे बड़ी पत्ती ये मेरे पाँचों नंबर पर लगी, आप देख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8, 9, 10 यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, रन लगा है ठीक है, क्रम वाइज संख्या है लेकिन कलर अलग अलग है, इसलिए ये कच्ची रन मानी जाएगी ठीक है। ये भी पत्ती बढ़िया लगी है, ये बंदा भी चल सकता है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सत्ता का जुट लगा है ठीक है। तीसरे बंदे की पत्ती आप देख सकते हैं, तिक्की का तिरेल बहुत बढ़िया सुपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जो मैं तीन लोगों के बीच की बात करूँ तो सबसे बड़ी पत्ती इस बंदे की आई है, ये जितना भी पैसा लगाए रहेंगे लोग ये तीनों के बीच में ये बंदा जीत जाएगा ठीक है। और इससे ये पत्ती बड़ी है ये जीत जाएगा, लेकिन ये सबसे छोटी पत्ती, इसको एक से दो हाथ चलना और बाकी इसको गड्डी पे पैक हो जाना। अगर जो इसके इसके बीच लड़ाई हो रही तो दोस्तों ये तिक्की का तिरेल जीत जाएगा। चलिए मैं चौथे नंबर की बंदे की बात करता हूँ, इसकी पत्ती देख ले रहा हूँ। अरे वाह, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे गुल्लू का तीरे लगा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो तीनों बंदे हैं, इन तीनों बंदों को ये हरा चुका है ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से सबसे बड़ी पत्ती इसकी लगी है, क्योंकि गुल्लू का तीरे सबसे बड़ी पत्ती है इन तीनों के बीच में। तो चलिए अब जो भी पैसा लगा ये बंदा जीत गया। फिर मैं फाइनली अपनी बात कर लेता हूँ कि दोस्तों मैंने कहा था सबसे बड़ी पत्ती मेरी आएगी, तो देखते हैं। वाह सुपर, तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं सबसे बड़ी पत्ती मेरी लगी है, क्या लगी है, इक्का का तिरेल। आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी पत्ती मेरी लगी है, इक्का का तिरेल। तो अब इसके आगे किसी की भी पत्ती नहीं चलेगी और कोई भी जो भी पैसा लगाए, जितना भी पैसा लगाए हैं बंदे सब, यहाँ पे सारा पैसा हमारा हो चुका है ठीक है, मैं जीत जाऊँगा। तो यही ट्रिक, आई होप दोस्तों मैं यहाँ तक जो भी नॉलेज दिया हूँ, जो भी ट्रिक बताया हूँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर जो आप लोग को इस ट्रिक को सीखना है, समझना है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे ट्रिक आपको ऐसे मिलते रहेंगे। और दोस्तों इसके अलावा मेरे चैनल पर अंदर बाहर ट्रिक है, कट पत्ता ट्रिक है, मांग पत्ता ट्रिक है, तीन पत्ती का है, ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी प्रकार के वीडियो और गेम मिल जाएंगे ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे इक्का की तीरें लगी है तो सबसे बड़ी पत्ती मैं जीत गया। अब दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह आप भी ये ट्रिक कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और मालामाल हो सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए, लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मैं ट्रिक स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आप पहले समझ लीजिएगा, जब 5 बंदे आपके साथ खेल रहे हों ठीक है, तो सबसे पहले ये पैक हो जाएगा ठीक है, उसके बाद ये गड्डी पैक हो जाएगी, फिर ये फिर लास्ट में मैं बच जाऊंगा। तो यहाँ से आपको ऐसे ट्रिक सेट करना है, यहाँ से एक पत्ती उठानी है आपको, फिर यहाँ से ठीक है, फिर यहाँ से। तो दोस्तों आपको पांचों जितने 5 बंदे बैठे हैं, 4 बंदे बैठे हैं, जितने पे आपको खेलना है, सेट करना है, सभी से एक एक पत्ता आपको उठा लेना है। उठाने के बाद ऐसे आपको 5 पत्ती उठाने के बाद आप चाहेंगे तो गड्डी पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहेंगे तो यहाँ साइड में रख देंगे। फिर आप यहाँ से एक पत्ती उठाएंगे ऐसे, फिर ऐसे ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 5 पत्ती आपने उठाया, फिर आप यहाँ 5 पत्ती उठा के फिर आप ये 5 पत्ती यहाँ पे रख दीजिए ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ से एक पत्ती, फिर यहाँ से ठीक है, ये बाकी सब पत्तियाँ ऐसे रख दीजिए। दोस्तों देखिए मेरे चैनल पे जो अंदर बाहर का ट्रिक है, कट पत्ता का ट्रिक है, तीन पत्ती का ट्रिक है, तो सभी अलग अलग ट्रिक है, सब में अलग अलग ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इसमें तीन पत्ती का अलग ट्रिक है, उसमें अलग ट्रिक है, तो आप लोग एक एक ट्रिक अलग अलग से देखेंगे तो मैं ज़रूर आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक ट्रिक नहीं, दो ट्रिक नहीं, कोई तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये पे मैंने आपको किस तरह ट्रिक करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे सब पत्तियाँ समेट ली हैं, इसको मैं गड्डी पे रख दूँगा ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गड्डी पे रख दिया। अब आपको ऐसे फर्री मारना है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे ठीक है।
जब भी आप फरी मारिएगा ये दाहिने तरफ की पत्ती ऊपर चढ़ा के रखिएगा ऐसे फास्ट में ऐसे देखिए, और जो ऊपर की पत्ती है उसको ऊपर चढ़ा के रख दीजिएगा ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे सफल करिएगा तो ऐसे सफल करना आपको ठीक है, ऐसे यानी नीचे की पत्ती नीचे रहे ऊपर की पत्ती ऊपर रहे, फास्ट में आपको करना है, आपको कोई पकड़ भी ना पाए। फिर आप एक से दो बार फर्री मार दीजिए, फिर फर्री मारते वक्त इधर की पत्ती ऊपर चढ़ा के रखिएगा ऐसे ठीक है। फर्री मार दीजिए फिर सफल कर दीजिए दो बार चार बार ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब जो है क्या है कि मैंने आपको किस तरह ट्रिक में किस तरह पत्ती सेट करना है, चाहे इक्का का तिरेल हो चाहे बासा का तिरेल हो चाहे गुल्लू का तिरेल हो चाहे कलर हो चाहे सीक्वेंस हो चाहे कोई भी पत्ती आपको सेट करना है तो इसी तरह आप कर सकते हैं। अब देखिए सब कुछ करके आपने रख दिया, अब यहाँ से टच कर लेगा बंदा सामने से ऐसे कट कर लेगा और ये पाँच लोगों के बीच एक दो इस पत्ती को मैं साइड कर दे रहा हूँ ध्यान से देखिए तीन चार पाँच। अब जिस तरह दोस्तों मैंने इस गड्ढे में ताश को मिक्स किया था सेट किया था सेम उसी तरह सारी पत्तियाँ आएंगी, अब ध्यान से देखिएगा दो तीन ठीक है, और बाकी जो पत्तियाँ हैं यहाँ पे मैं रख दूँगा अब ध्यान से समझ लीजिएगा ठीक है। तो अब ध्यान से ये देखिएगा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पाँच लोगों के बीच खेलना है चार लोगों के बीच खेलना है तो किस तरह आपको सेट करना है उसी तरह आप सेट करेंगे। तो मैं दोस्तों एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि तीन पत्ती फ्लैश गेम खेल रहे हैं फिर तीन पत्ती में किस तरह आप जीत सकते हैं वो सारी ट्रिक आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे ठीक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ जिस तरह मैंने पत्ती सेट किया देख लीजिए आप लोग उसी तरह आना। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों पहले था आठ नौ दस यानी कच्ची रन था आप देख लीजिए हाँ ठीक। अब यहाँ पे क्या था सत्ता का जूट था आप देख लीजिए यहाँ पे क्या था टिक्की का तिरेल ठीक, और यहाँ पे क्या था गुल्लू का तिरेल ठीक है। यहाँ पे मेरा था सबसे बड़ी पत्ती इक्का का तिरेल आप देख लीजिए इक्का का तिरेल आया ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी ट्रिक बताए हैं जो भी नॉलेज दिया है आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो मेरे चैनल पर इसके अलावा तीन पत्ती का बहुत सारा वीडियो एक एक करके आप देखेंगे तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके अलावा जो भी कुछ आप लोग को पूछना है अंदर बाहर ट्रिक के बारे में कटपत्ता के बारे में जो भी ट्रिक सीखना है और प्यारा सा भी पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।